हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेश आलम। सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ काबली पुलाव, यानी चने की दाल का पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और आसानी से तैयार हो जाता है। चलें इस आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने पतीली में डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट के डालेंगे। इसे ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैं थोड़ी प्याज निकालूंगी एंड में ऊपर से डालने के लिए। देखिए प्याज गोल्डन हो गई है, मैं थोड़ी प्याज निकाल रही हूँ। फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। 2 अदद तेज़पात डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें 10 से 12, सब्ज़ी इलायची 4 अदद ली हैं, लौंगे 5 से 6, ये बादियान के फूल हैं आधे आधे हैं इसलिए 2 ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक ली हैं। ये तमाम मसाले इसमें डाल के कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी, फिर इसमें शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसे चला लेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसे इस तरह से काट लिया है। 1 टीस्पून हरी मिर्चों को कूट लिया है, इसे शामिल करेंगे। टमाटर को चला के इसमें सॉफ्ट करेंगे। मैं ये सिर्फ टमाटर से ही बनाऊंगी क्योंकि टमाटर से इसका कलर अच्छा आएगा, येलो सा। नमक मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। ये सौंफ है, इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया है, ये बस कुटा कुटा सा है। ये डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुटी में 2 टीस्पून डाल दीजिए। ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और ये जायफल और जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, समझ लें ये जब आप बनाएंगे इस तरीके से आपसे खुद भी रहा नहीं जाएगा। मसालों को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें चने की दाल डालेंगे। चने की दाल मैंने 30 मिनट भिगो के उबाल ली है। ये तकरीबन 70-80% तक गली हुई है। देखें ये जल्दी से नहीं टूट रही, हमें ऐसे ही चाहिए। थोड़ा सा मसाले के साथ भी भूनेंगे। अच्छा, चने की दाल मैंने शामिल की है 2 कप। फिर आधा कप पानी शामिल करके कवर कर दें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद ही मैं देख लूँ ताकि दाल ज़्यादा भी न गल जाए, क्योंकि चावल के साथ भी पकेगी। इसमें अभी भी कसर बाकी है। चावल मैंने लिए हैं 1/2 किलो। अगर कप से मेजरमेंट करेंगे तो 2.5 कप हैं। ये बासमती राइस हैं, आधे घंटे से भीगे हुए थे। अब मैं इसमें 5 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि 2.5 कप चावल हैं तो 5 कप पानी डालेंगे। पानी में उबाल आ जाए फिर मैं इसे कवर करूंगी। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि चावल डालने के बाद चूल्हे की आंच कम नहीं करते। इतनी हो कि चावल पानी में उबल रहे हो, इसको ऐसे ही पकने दे। देखे पानी इस तरह ख़त्म हो गया है, बबल्स दिख रहे हैं। अब चूल्हे की आंच दम वाली कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दीजिए, इससे चावल किले किले बनेंगे। इनको थोड़ा सा चला के ऊपर नीचे भी कर दें ताकि चावल एक जैसे पक सकें। चावलों पे चम्मच आराम से चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। थोड़ी ब्राउन प्याज निकाली थी वो बिछा देंगे। ये मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 चम्मच, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अगर आप डालना चाहें, आपको पसंद हो तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया इसे बिछाएं और कवर कर दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब कवर हटा के देखते हैं। इसको चला के ऊपर नीचे कर दें। यकीन करें इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिनटों में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।